नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम आइडिया में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस दरोगा में आने वाले इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस जो हमें दोस्तों आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल एग्जाम आइडिया को तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर एक से। जैसा कि देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, आपको दोस्तों बताना है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन सा, कोयला, पवन, सूर्य या फिर जल। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कोयला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, नाटक, महिलाओं का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा या फिर दोस्तों बच्चों का अधिकार। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास है क्वेश्चन और आंसर की, यहाँ पर हम फटाक से दोस्तों 50 क्वेश्चंस बहुत जल्दी से देखेंगे और इनको अच्छे से हम समझेंगे। अगला प्रश्न, अगर झरने में पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। पहला ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा, दूसरा दोस्तों है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में, अंडाशय में, यकृत में या दोस्तों वीरपुटिकाओं में। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वृषण में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे किससे निर्मित हैं, सेलखड़ी से, पक्की मिट्टी से, अकीक से या फिर दोस्तों लकड़ी से। और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलखड़ी से। अगला प्रश्न, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, 1835 का अधिनियम, 1832 का अधिनियम, 1836 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1935 का अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था, 1936 में, 1939 में, 1942 में, 1945 में। और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1936 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रमों को, अंग्रेजों से समझौते पर, हिंसा के सीमित उपयोग को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रमों को। ओके चलिए, थोड़ा ये दिक्कत कर रहा है पेन चलने में। चलो अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गणेश आगरकर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर दोस्तों फिरोजशाह मेहता ने। और सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ओके ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या फिर दोस्तों अकबर। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के समय। ठीक है, अगला प्रश्न, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, तांबे का या फिर दोस्तों लोहा। और सही आंसर दोस्तों होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, बैक्टीरिया, इंसुलिन, एंजाइम या फिर दोस्तों डीएनए। और सही आंसर हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, गंध से, दृष्टि से, नर्तन से एंड स्पर्श से। और सही दोस्तों आपको बता दें दोस्तों मधुमक्खी जो होती है क्या होती है, वो केवल गंध से पहचानती है अपने सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है ए नंबर, ये एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नानदेव, नरसिंह देव, विजय या विजय देव या फिर दोस्तों हरिदेव। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो था नानदेव, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्यों दिक्कत कर रहा है इतना चलने में। चलो आगे बढ़ते हैं, औदन्तपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, आपको ये बताना है। तो बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश या फिर दोस्तों बख्तियार खिजली या फिर लास्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन
तुगलक, और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन या फिर दोस्तों हाइड्रोजन, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, साबुन का सह उत्पाद क्या है, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल या फिर इथेनॉल या फिर दोस्तों मेथेनॉल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, सॉरी बी वाला याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, इसका बी राइट, सॉरी क्या चल रहा है यार ये, इसका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, आपको दोस्तों बताना है भारत में रेडियो रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, 1923 में, 1930 में, 1935 में, 1933 में, और सही आंसर हो जाएगा 1923 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। आगे देखते हैं, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता है, कम प्रदूषण फैलाने वाला है, उच्च ऊष्मीय मान वाला है, उपरोक्त सभी, और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी गुण होने चाहिए उसके अंदर। अगला प्रश्न, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है फिलहाल इस पे तो थोड़ा गणित है, फिर बता देता हूं आपको, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, उस इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 20-16 होगी, ठीक है, बाकी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगला प्रश्न, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या फिर दोस्तों प्रेरित विद्युत पर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या फिर इनमें से कोई नहीं, और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या फिर दोस्तों इनमें से सभी, और आपको बता दें जीवाश्म गैस जो ईंधन होता है दोस्तों उसका जो सही उदाहरण क्या है, कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, उपरोक्त सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, अमीबा, ईस्ट, मलेरिया या फिर दोस्तों पैरामीशियम, और सही आंसर हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, उपज का चौथा भाग, एंड बी ऑप्शन है उपज का छठा भाग, सी ऑप्शन है उपज का आठवां भाग, डी ऑप्शन है ऊपर का आधा भाग, और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा उपज का छठा भाग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है औरंगजेब, नेक्स्ट ऑप्शन है शाह आलम, नेक्स्ट ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है शाहजहां, और इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या फिर दोस्तों गुरु रामदास ने, और आपको बता दें पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या फिर दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, और आपको बता दें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास को। अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है या फिर दोस्तों आर्थिक अधिकार है या फिर लास्ट ऑप्शन मौलिक कर्तव्य है, और आपको बता दें इसके जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है, ओके, देन ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में 3 माह में 1 वर्ष में या फिर दोस्तों 90 दिनों में, और आपको बता दें 6 माह के भीतर राष्ट्रपति पद को तुरंत भर लेना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा या फिर दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, आपको बता दें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या फिर दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल, और आपको बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है यही दोस्तों राष्ट्रपति के लिए
अभिभाषण को तैयार करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। दोस्तों आपको बता दें मैं कि यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। तो आपके माइंड पर क्या आएगा कि आयु 35 वर्ष हो, ऐसा कि वो पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल, एंड सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, एंड देश का नागरिक हो। दोस्तों आपको वो देश का नागरिक होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और उसकी एज 35 वर्ष हो, लेकिन अपना भारत एक ऐसा है उसमें पढ़ा लिखा हो ना हो तो भी चलता है, ठीक है अपना, क्योंकि भारत महान है, इसीलिए महान है भारत, क्योंकि गंवारों की फौज तैयार की जाती है। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है चिल्का झील के, पुलकित झील के, महानदी मुहाना के, या फिर दोस्तों गोदावरी मुहाना के। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पुलकित झील के, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी। और आपको बता दें सही आंसर हो जाएगा त्रिशूल, क्योंकि त्रिशूल ही तो भगवान शिव फेंक के मारते हैं ना, हवा में काम कर देता है, ठीक है ना, तो त्रिशूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने थी, थॉमस एडिसन ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, विलियम कुक ने, या फिर दोस्तों टैरी एडिसन ने। और आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज दोस्तों एडिसन थॉमस ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, बेंगलोर में, कोलकाता में, दिल्ली में, या फिर दोस्तों मुंबई में। और आपको बता दें सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है सिंचाई में, खदानों के वेतन में, भीड़ नियंत्रण में, या फिर दोस्तों अग्निशमन में। और सही आंसर हो जाएगा खदानों के वेतन में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है, सीसी पाक, अबुल कलाम आजाद, एंड तकासी हीरोज, या फिर दोस्तों ईपी कोडम। और आपको बता दें सही आंसर दोस्तों हो जाएगा तकासी हीरोज, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं, उक्त कथन का श्रेय किसे जाता है, अर्चना शर्मा को, कल्पना चावला को, सतीश धवन को, या फिर दोस्तों विक्रम साराभाई को। और आपको बता दें ये दोस्तों वर्ड कहा था कल्पना चावला को, ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आपको बता दें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक एंड विषाणु। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित है ब्रहलिन में, ओस्लो में, ओशाका में, मैनचेस्टर में। सही आंसर हो जाएगा ओस्लो में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, एंड पश्चिम बंगाल में। और सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा प्रदूषण है, ठीक है, नहीं सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, अच्छा हाँ सॉरी आर्सेनिक द्वारा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये डी बी नंबर नहीं होगा, ठीक है, डी नंबर राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लाइसिन, ग्लाइकोजिन। और इसका सही दोस्तों आंसर है ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है, बालघाट, मंदसौर, धार, या फिर दोस्तों मंडला। और सही आंसर हो जाएगा धार में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, या फिर दोस्तों प्रिंटर। और आपका दोस्त आपको बता दें कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है दोस्तों वो सीपीयू होता है। अगला प्रश्न, रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से, बैडमिंटन से, टेनिस से, या फिर दोस्तों बास्केटबॉल से। सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। एंड अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, डेविस कप किससे संबंधित है, वॉलीबॉल,
एंड बैडमिंटन, टेनिस से या फिर दोस्तों बास्केटबॉल से। और आज दोस्तों ये मैंने कल की क्लास में ये कब मैंने तो ये दो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे, देन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा टेनिस से। तो फिलहाल समझ में आ गई दोस्तों। तो आप मैंने आपको जो भी 50 क्वेश्चन कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लस लाइक एंड शेयर करिए। ओके थैंक यू, और कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स होंगे। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी का।